बस्तर का लोकसभा और छत्तीसगढ़ का 11 लोकसभा हम राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है, यही सपना है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सभी विधायक मिलकर बस्तर का विकास होना है, बस्तर के नौजवान लोग को रोजगार देना है, पलन किया वालों को वापस लाना है, हमारे ये बस्तर में शांति करना है। अच्छा, ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी आज तो कल ही तो हम मंत्री बने हैं, अगर कांग्रेस पार्टी जो भी बोलेगा हमारा राहुल गांधी जी माननीय मुख्यमंत्री जिस रास्ता में जाएंगे उस रास्ता में हम बात करेंगे। अभी बोलना जल्दीबाजी होगा। हम आपके मंत्री बनाए जाने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और दिल्ली तक में चर्चा चल रही है, आपके पढ़ाई को लेकर बात आ रही है, क्या लगता है कि पढ़ाई कहीं बाधा बन पाएगी आपके मंत्री बनने के बाद में कार्यक्रम? एक कांग्रेस पार्टी अंतिम व्यक्ति को देने का बात करती है, गरीब का बात करने वाला एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मेरे जैसा आदमी तेंदुपत्ता तोड़ने वाला को, नांगर जोतने वाला को और मैं मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं और भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं, पीएल पुनिया को बधाई देता हूं। दूसरी बात, इस देश में सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी के बड़े बहन और देश में जो पीट करके हमको तारीफ किया है, इसलिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकता। हम दिमाग से हमारे नौजवान दीपक भाई, हमारे रक्षण भाई, बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन लोग लिखेंगे, मैं दिमाग से काम करूंगा, अच्छा हमारा मंत्रालय चलेगा। कवासी लखमा, कोई नाराजी नहीं है। एक चुनाव जीतने एक बात कार्यकर्ता के ऊपर मन रहता है, हम भी हमारा नेता भी मंत्रिमंडल बने, लेकिन कानून अड़सा ना रहा है। बोरसी जनता पार्टी की सरकार पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में 24 मंत्री बने थे, लेकिन बोरसी जनता पार्टी फर्जी जुमलाबाद सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा मुख्यमंत्री लगातार लड़ रहा है कि हमको 20 मंत्री बनाने का अधिकार दे, हम वहाँ पर प्रतिबंध के कारण कुछ ना कुछ एमएलए को सबको कुछ करने का बात होगा, ज्यादा बम्पर जीता हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ पद जरूर कांग्रेस पार्टी देगा। आईटी का भी गठन कर दिया गया है और मनीष कुंजाम ने कल आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं कवासी लखमा का उसमें नाम आ रहा था, तो फिर तुमको क्यों मंत्री बनाया गया? हम लोग, हमारा मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है। जो जीरम घाटी का मामला, दूध का दूध पानी का पानी हो, हम पूरा बस्तर वासी उसका स्वागत करते हैं, उसको जांच होगा। मनीष कुंजाम का बात को मेरे सामने रखने के लिए मैं अच्छा नहीं समझता, उसको जनता गुमा गुमा कह रहा है। अगर कवासी लखमा का नाम लेगा तो टीवी वाला बढ़िया दिखाएंगे, वो उस मरा हुआ आदमी को ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है।